मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। हमारा पेट साफ होना बहुत जरूरी बात है। पेट एक साफ नहीं हो तो सब कुछ रोग हो सकता हमारे को। पेट साफ करना बहुत जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा से जरूरी है। आपको मैं इन्हीं से बोल रहा हूँ, आप क्या करें तो चाय बिस्किट सिगरेट बीड़ी आपको इन्हें से ये न खाइए। ये करे हम ये दोपहर करने से हमारा बीड़ी सिगरेट पीने से हम जो तले हुए सामान खाने से हमारा शरीर पूरा हम बिगड़ ले रहे। हमारा जो भी दोनों हाथ हो ना खराब कर ले रहे। अगर हमारा पेट एक साफ नहीं है तो पेट एक अच्छा नहीं है स्वस्थ नहीं है तो दुनिया में जो भी रोग हमको पेट में आ सकता। तो करना क्या आप हो? अगर हमारा पेट साफ नहीं है तो हमारा कान जा सकता, हमारा नाक जा सकता, हमारा बाल जा सकते, हमको चर्म हो सकता, हमारे को हार्ट अटैक हो सकता, हमको लकवा मार सकता, जो भी जगत में जो भी रोग है वो रोग हमको हो सकता। तो बहुत होशियारी से हमको ये शरीर ले जाना है तो हमारा पेट एक साफ करना जरूरी है। तो इसको करना क्या बोला आप? क्या करना बोलो तो क्या क्या करना बोलो तो क्या करें आपको? जीरा 2 चटक लेना है, अजवाइन 2 चटक लेना है, धनिया 1 चटक लेना है, पुदीना 1 चटक लेना है, हल्दी 1/2 चटक लेना है, काला नमक 1/2 चटक लेना है, सौंठ 1/2 चटक लेना है। ये सबको लेकर एक मिक्सी में डालकर पुदीने का सूखे पत्ता लेना है, हरे पत्तों को। ये सबको लेकर क्या करिए आप? मिक्सी में डाल के बारीक कर लिए, पाउडर कर लेके एक डब्बे में रख लिए। जब हमको रात को खाना खा के सोते उस टाइम पे क्या करिए आप? एक गिलास गुनगुना गर्म पानी लीजिए या आप एक चम्मच मुँह में डाल के ऐसा भी पी सकते। ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करिए, एक गिलास पानी गुनगुना लीजिए, उसके अंदर एक चम्मच मिला के पी सकते। कैसा भी आपको पसंद आ गया वैसा पिए। पी के सोने के बाद जो भी हाथों के अंदर हमारा खाना हजम होता, पचता, हमारा पेट साफ होता, हमारा कब्ज जाता, गैस वो सब कुछ नहीं होते, पार नहीं आता, सब कुछ सबसे अच्छा है। ये नुस्खा करके देखिए। प्रणाम।